हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई द सरफेस ऑफ सम मेटल्स एक्वायर अ डल अपेरेंस व्हेन एक्सपोज टू एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब बोला गया है कि हम लोग को बताना है कि कुछ कुछ मेटल का जो सरफेस होता है वो क्या होता है। द सरफेस ऑफ मेटल एक्वायर डल अपेरेंस, वो डल अपेरेंस दिखाता है अगर लंबे समय तक एयर में छोड़ दिया जाए तो क्या होगा। तो देखो क्या होता है, जनरली मेटल अगर लंबे समय तक हवा में छोड़ दिया जाता है तो हवा में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, और बहुत सारे गैसेस हैं। तो ये क्या करता है कि ऑक्सीजन से या वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके उसपे ऑक्साइड का लेयर बना लेता है, या कार्बोनेट से रिएक्ट करके कार्बोनेट का लेयर बना लेता है, सल्फर प्रेजेंट है तो सल्फर से रिएक्ट करके सल्फाइड का लेयर बना लेता है। तो ये सभी लेयर बनाने की वजह से ही उसका अपेरेंस डल अपेरेंस दिखता है। तो हम लोग लिख सकते हैं द सरफेस ऑफ सम मेटल्स एक्वायर्स अ डल अपेयरेंस व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज मेटल फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड, या फिर बोल सकते हो कार्बोनेट और सल्फाइड, ये सभी का लेयर बना लेता है ऑन द सरफेस बाय द फ्लो एक्शन बाय द स्लो एक्शन ऑफ वेरियस गैसेस। प्रेजेंट इन द एयर, जो कि एयर में बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट हैं, उससे धीरे धीरे रिएक्शन करके ये ऑक्साइड का लेयर, कार्बोनेट का लेयर, सल्फाइड का लेयर बना लेता है, इसी वजह से ये डल अपेरेंस दिखाता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।